मार्केट रेगुलेटर सेबी ने प्राइवेट इक्विटी फंड्स को म्यूचुअल फंड स्कीमों का स्पॉन्सर बनने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा इसने सेल्फ स्पॉन्सर्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी को बनाने की भी मंजूरी दे दी है। सेबी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हुई बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि अब सेल्फ स्पॉन्सर्ड एएमसी को भी कारोबार की इजाजत होगी। एक बार जब इनके बच्चे मैच्योर हो जाएंगे तो स्पॉन्सर इस बड़े हो चुके बच्चे के लिए किसी नए माता पिता की तलाश किए बिना ही बाहर निकल सकते हैं। बताया जा रहा है कि यह कदम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को अधिक आजाद बनाने के लिए काफी अहम है। इससे पहले सेबी ने जनवरी 2023 में एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया था, जिसमें स्पॉन्सर की भूमिका की फिर से कल्पना की गई थी। सेबी ने इस पर सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी थी। आखिरकार इनसे 40 लाख करोड़ रुपए के साइज वाले भारतीय म्यूचुअल इंडस्ट्री में नए तरह के स्पॉन्सरों को मंजूरी देने का फैसला किया है। सेबी अगले कुछ दिनों में इस विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा, जिसमें ये नए ट्रस्टी के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। साथ ही इससे जुड़े सुरक्षा उपायों को भी बताया जाएगा। उदाहरण के जनवरी 2023 में आए सेबी के कंसेप्ट पेपर में कहा गया था कि पी के स्वामित्व वाले म्यूचुअल फंड हाउसों को उन कंपनियों में भी निवेश के लिए पहले से तय सख्त मापदंडों को सीमा का पालन करना होगा, जिनमें पी फर्म ने करीब 10% या उससे अधिक निवेश किया हुआ है। साथ ही उनके निवेश वाली कंपनियों के आईपीओ आने पर म्यूचुअल फंड को इससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी।